गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर, दैट इज व्हाई डू वी फॉल इल। ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर रहेगा व्हाई डू वी फॉल इल। सो इससे रिलेटेड हम कुछ टर्म्स डिस्कस करेंगे, और इससे पहले आपको पता होना चाहिए जो डाइवर्सिटी चैप्टर मैंने स्किप किया है, ये डाइवर्सिटी चैप्टर के कुछ पोर्शंस लगभग हमारा डिलीट हो चुका है फ्रॉम सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू। सो टुडे वी विल डिस्कस दिस चैप्टर, दैट इज व्हाई डू वी फॉल इल। सो इन दिस चैप्टर फर्स्टली वी नो अबाउट दैट टर्म, दैट इज हेल्थ। इस चैप्टर के अंदर हमें सबसे पहले एक डेफिनेशन के बारे में मालूम होना चाहिए, दैट इज हेल्थ, कि हेल्थ किसे बोलते हैं। तो बच्चों, हेल्थ साइंटिफिक, अगर मैं बोलूं बायोलॉजी की लैंग्वेज में कि हेल्थ एक्चुअली क्या है, हेल्थ इज द स्टेट ऑफ बीइंग वेल इनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। हेल्थ उसे बोलते हैं जब कोई बॉडी फिजिकली, मेंटली और सोशली तीनों तरीके से वर्क करती है, दैट बॉडी इज कॉल्ड हेल्दी बॉडी एंड दैट रिप्रेजेंट द हेल्थ। ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ? तो हेल्थ इज अ स्टेट, वी कैन से दैट इट इज अ स्टेट। ठीक है, ऑफ बीइंग वेल। हम हर तरीके से वेल रहें, इनफ, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ बीइंग वेल इनफ टू फंक्शन वेल। और हमारी बॉडी प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग करे, कैसे कैसे फंक्शनिंग करे बॉडी बेटा, फिजिकली भी प्रॉपर फंक्शनिंग करे, ठीक है, और मेंटली भी बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग करे, और सोशली भी बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग करे सोशली। तो इन तीनों को मिलाकर एक रिप्रेजेंटेशन दी जाती है किस डेफिनेशन की, दैट इज हेल्थ। ओके, सो हेल्थ के बारे में पढ़ने के बाद हमें एक टर्म पता होनी चाहिए अबाउट द डिसीज। डिसीज किसे कहते हैं? एनी डिस्टर्बेंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शन ऑफ ए ऑर्गन ऑफ द बॉडी। एनी डिस्टर्बेंस विल टेक्स प्लेस इन द ह्यूमन बॉडी, इन द ऑर्गन ऑफ द बॉडी, इन द फंक्शन ऑफ द बॉडी, एनी टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस विल टेक्स प्लेस, देन दिस टर्म रिप्रेजेंट द डिसीज। तो व्हाट डू यू मीन बाय डिसीज? एनी डिस्टर्बेंस इन द स्ट्रक्चर और द फंक्शन ऑफ द ह्यूमन ऑर्गन और द पार्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड डिसीज। सो नाउ द वर्ड डिसीज जो वर्ड है बच्चे, द वेरियस कॉजेज ऑफ डिसीज आर, डिसीज अपने आप नहीं होते, इसके काफी कॉज होते हैं। कॉज में आ जाता है वायरस, कॉज में आ जाता है बच्चा वायरस, कॉज में आ जाता है बैक्टीरिया, फंगस, काफी डिसीज आ जाते हैं जो कि डिसीज का कारण बनते हैं। डिसीज अपने आप नहीं आता, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं काफी फैक्टर्स, ये काफी पैथोजन्स, वी कैन से दैट काफी पैथोजन्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दैट पैथोजन्स मे बी वायरस, मे बी बैक्टीरिया। ठीक है, और ऑल्सो विद द पैथोजन्स दे आर नंबर ऑफ ए न्यूट्रिटिव डाइट आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। अगर हम बैलेंस डाइट प्रॉपर नहीं लेते तो अभी हमारी बॉडी की इम्यूनिटी वीक होती है, और इम्यूनिटी वीक होने से हम बहुत सारे डिसीज से डिफरेंट टाइप के डिसीजेस से ग्रेस्प हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा आप लोगों को न्यूट्रिशन की कमी नहीं होनी चाहिए, लैक ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीज इन द ह्यूमन बॉडी, एंड ऑल्सो बैलेंस डाइट, लैक ऑफ बैलेंस डाइट, ठीक है, ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीज इन द ह्यूमन बॉडी। सो जो डिसीज होते हैं ये बेसिकली टू टाइप के होते हैं बेटा, एक्टिव और वी कैन से दैट एक्यूट डिसीज एंड क्रॉनिक डिसीज। दीज डिसीज आर ऑफ टू टाइप, एक्यूट एंड क्रॉनिक। ओके, एक्यूट डिसीज एंड क्रॉनिक डिसीज। तो एक्यूट डिसीज की अगर मैं बात करूं, एक्यूट डिसीजेस आर दोज डिसीजेस विच अकर सडनली एंड लास्ट फॉर ए शॉर्ट पीरियड, जो एकदम से हो जाते हैं, एक्यूट डिसीज में आते हैं, एक्यूट डिसीज अकर सडनली एंड लास्ट फॉर ए शॉर्ट पीरियड, एंड क्रॉनिक डिसीजेस डेवलप स्लोली, जल्दी धीरे धीरे हमारी बॉडी के अंदर डेवलप होते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। टाइम, दीज टाइप ऑफ डिसीज टेक टाइम टू ग्रेस्प द बॉडी, टू बोल सकते हैं हमारी बॉडी में कुछ भी प्रॉब्लम कॉज करने के लिए टाइम कंज्यूमिंग हमारे जो डिसीज हैं वो आते हैं क्रॉनिक डिसीजेस, एंड लास्ट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, बहुत समय से हमारी बॉडी को खाते हैं धीरे धीरे अंदर से, ठीक है, और बॉडी में काफी प्रॉब्लम कॉज करते हैं, वो है क्रॉनिक डिसीज। और एक्यूट डिसीजेस सडनली हमारी बॉडी में अपीयर होते हैं शॉर्ट पीरियड के अंदर। ठीक है, तो डिसीज एंड इन्फेक्शन आर प्रिवेंटेड बाय लाइफस्टाइल। और अब हम कहें कि क्या ये डिसीज हमारी बॉडी के अंदर हमेशा रहेंगे? बट मोस्ट ऑफ द पीपल इन द, स्पेशली इन द इंडिया, दे आर मतलब बोल सकते हैं इनमें काफी सारे डिसीज आप देखने को मिल सकते हैं। बाकी जगह पे आपको इतने डिसीज देखने को नहीं मिलेंगे, बट यहाँ पर कुछ
प्रॉपर वर्किंग ना होने की वजह से, या बोल सकते हैं अपने आप की प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं करते कुछ लोग बॉडी की, तो प्रॉपर मेंटेनेंस ह्यूमन बॉडी की नहीं होगी तो डेफिनेटली देयर आर नंबर ऑफ डिसीज दैट टेक्स प्लेस इन द ह्यूमन बॉडी. सो डिसीज एंड इन्फेक्शन कैन बी प्रिवेंटेड बाय लाइफस्टाइल. आप काफी अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे तो यस, डिसीज आपको, आप काफी डिसीज से बच सकते हैं. जैसे आप एक्सरसाइज कीजिए, प्रॉपर स्लीप लीजिए, इनफ रिलैक्सेशन लीजिए. प्रॉपर स्लीप इज वेरी नेसेसरी फॉर पर्सन. एंड एक्सरसाइज मॉडिफिकेशन, टेकिंग बैलेंस डाइट, गुड पर्सनल हेल्थ, हाइजीनिक हेल्थ, मेंटेनिंग ए क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट, ठीक है, इवन अपने घर में भी बिल्कुल ही क्लीन और हेल्दी इन्वायरमेंट सराउंडिंग बना के रखेंगे तो डिसीज आप कम से कम ग्रस्त करेंगे. तो डिसीज जो होते हैं, डिसीज क्या करते हैं, पूरी बॉडी की डिस्टर्बेंस कोज करते हैं और वो डिस्टर्बेंस फिर पूरी लाइफ टाइम के अंदर हमारी रिकवर नहीं हो पाती. तो बेटर है, उससे बेटर है कि हम अपने जो लाइफ स्टाइल है उसको चेंज करें, फास्ट फूड कम से कम खाएं, अपनी बॉडी को रेगुलर एक्सरसाइज दें, फास्ट फूड ना खाएं, एक बहुत न्यूट्रिटिव फूड डाइट, न्यूट्रिटिव डाइट लें, न्यूट्रिटिव डाइट हमेशा लें, ठीक है. न्यूट्रिटिव डाइट के बिना आपकी बॉडी रन नहीं कर पाती, ठीक है. तो इतना आपको पता होना चाहिए अबाउट द एक्यूट डिसीज एंड द क्रोनिक डिसीज एंड द हेल्थ एंड व्हाट इज अ डिसीज एंड हाउ टू प्रिवेंट फ्रॉम द डिसीज. सो बॉडी के अंदर डिसीज हो जाती है तो उसके लिए काफी ट्रीटमेंट है. ऐसा नहीं है कि ट्रीटमेंट नहीं है, ट्रीटमेंट इन्वॉल्विंग द किलिंग ऑफ दैट टाइप ऑफ ए पैथोजेंस. देयर आर नंबर ऑफ ट्रीटमेंट दैट हेल्पिंग दैट प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर, ठीक है. तो बहुत से ट्रीटमेंट होते हैं जिसको लेके हम अपनी बॉडी के जो पैथोजेंस इनको किल कर सकते हैं. बट बेटर है कि पैथोजेंस हमारी बॉडी में क्रिएट ही ना हो. इनसे बचने के लिए हमें अपनी बॉडी को, अपने लाइफस्टाइल को, स्पेशली अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है. प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर एक्सरसाइज, फुल रिलैक्सेशन, ठीक है, हेल्दी माइंड, हैप्पी माइंड, इस तरीके से हमें आपको बॉडी को रखना है. स्ट्रेस फ्री बॉडी होनी चाहिए. तो सबसे पहले अगेन हमने क्या पढ़ा हेल्थ के बारे में. हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ ए फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. बट फिजिकली फिट होना जरूरी है, मेंटली फिट होना जरूरी है एंड सोशली फिट होना भी बहुत जरूरी है. आप सोसाइटी में रहते हैं, सोशली भी आप एक दूसरे से अच्छे से रखिए, बना के रखिए, एक दूसरे से बातचीत कीजिए. और सोशली अगर आपको कोई कुछ कहता है, सोशली भी मतलब एनवायरमेंट में भी अगर आपको अपने बारे में कुछ सुनने को मिलता है तो अभी स्ट्रेस फील होता है. स्ट्रेस फील होने से हमारी बॉडी में डिसीज क्रिएट होते हैं. तो हमें फिजिकली तो फिट रहना ही है एक्सरसाइज से, मेंटली भी फिट रहना है और सोशली भी फिट रहना है, ठीक है. सो कंडीशन नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ. गुड हेल्थ की कंडीशन, कई बार आ जाता है क्वेश्चन व्हाट आर द कंडीशन दैट नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ. सो गुड हेल्थ की कंडीशन है गुड फिजिकल एंड सोशल एनवायरमेंट. फिजिकल और सोशल एनवायरमेंट आपका अच्छा हो, गुड इकोनॉमिक कंडीशन भी अच्छी हो. ये नहीं है कि आप फिजिकली आप फिट रहने के लिए अच्छी न्यूट्रिटिव डाइट ले रहे हो बट इकोनॉमिक कंडीशन आपकी वीक है. इकोनॉमिक कंडीशन मींस एक वेल मेंटेन आपकी जॉब हो ताकि आप उससे प्रॉपर अमाउंट में इनकम ले सकें, और इनकम आपकी प्रॉपर होगी तो आप गुड न्यूट्रिटिव फूड ले सकोगे. क्योंकि आपको न्यूट्रिटिव फूड खाने के लिए, बैलेंस डाइट लेने के लिए कुछ एक्सपेंडिचर भी करना पड़ेगा. सो व्हाट आर द कंडीशन दैट मेक अस हेल्दी एंड हैप्पी. तो दे आर टू कंडीशन, फिजिकली एंड सोशल एनवायरमेंट इज गुड फॉर गुड हेल्थ, ठीक है. फिजिकली और सोशल एनवायरमेंट भी अच्छा हो और इकोनॉमिक कंडीशन भी आपकी बहुत बेटर हो. इकोनॉमिक कंडीशन बहुत मैटर करती है आज के टाइम में, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन आपकी अच्छी है. इफ द इकोनॉमिक डू यू इंक्लूड इन ए गुड जॉब एंड गुड यू हैव ए गुड अपॉर्चुनिटी, ठीक है, एंड यू हैव अर्न सो मच मनी, नॉट सो मच मनी, दैट मच मनी दैट इज इनफ फॉर योर लाइफ स्टाइल, ठीक है, गुड लाइफ स्टाइल फॉर टेकिंग द बैलेंस डाइट, ठीक है. तो दिस टाइप ऑफ इन दिस वे यू मेंटेन अवर मेंटेन गुड हेल्थ. ओके, सो आज हमारा टॉपिक था, हमारी यूनिट है व्हाई डू वी फॉल इल. सो इसके अंदर आपने दो कंसीप्ट डेफिनेशन सिंपली पढ़ी है, व्हाट इज हेल्थ, व्हाट इज डिसीज एंड हाउ टू मेंटेन द गुड हेल्थ, ठीक है. तो टू मेंटेन द गुड हेल्थ एटलीस्ट टू पार्ट्स मैं कह सकती हूँ बिल्कुल नेसेसरी है, दैट इज गुड फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट. फिजिकल भी अच्छा हो इन्वायरमेंट आपका, आप खुद भी फिजिकली फिट हो, मेंटली भी फिट हो, सोशली भी फिट हो, बहुत जरूरी है. और गुड इकोनॉमिक डेवलपमेंट और गुड इकोनॉमिक कंडीशन इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी, ठीक है. तो ए गुड इकोनॉमिक कंडीशन इंक्लूड द जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर अर्निंग टू हैव ए न्यूट्रिटिव फूड, ठीक है, एंड लीड ए बेटर लाइफ. सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द रिमेनिंग टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. ओके.